गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन मैथ्स स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर 5 सब्ट्रैक्शन। इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 8, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 9, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड प्रॉब्लम, राइट। आपको उसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है, आज हम फर्स्ट 3 वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम, राइट। सो इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, या तो फिर जैसे हमने दोनों किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वैसे भी हो सकता है। तो पहले हमें क्लियरली जो क्वेश्चन दिया है वो समझना है, उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये उसमें हमें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो लुक, लेट अस स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, 4200 स्टूडेंट्स टूक अ पार्ट इन कॉम्पिटिशन, राइट। एक कॉम्पिटिशन थी स्कूल में, उसमें 4200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल 4200, राइट। आउट ऑफ दिस, अब इनमें से 2570 वेर गर्ल्स, राइट। अब ये 4200 में से गर्ल्स कितनी थी, 2570। सो हाउ मैनी बॉयज टूक अ पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन। तो अभी हमें ये फाइंड करना है कि गर्ल्स तो इतनी है तो बॉयज कितने हैं जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो लेट डू, चलो। तो पहले तो मुझे क्वेश्चन में ये पता चल गया कि 4200 टोटल स्टूडेंट्स थे, राइट। उसमें से गर्ल्स कितनी थी, 2570। तो 2570 के नीचे लाइन और गर्ल्स के नीचे लाइन एंड 4200 स्टूडेंट्स के नीचे लाइन, राइट। तो टोटल स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ही मुझे पता चलेगा कि बॉयज कितने हैं। सो पहले आप टोटल लिखोगे, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 4200, राइट। उसमें से गर्ल्स कितनी है, 2570। टोटल में से गर्ल्स को हम माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि बॉयज कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माइनस है तो ऑलवेज स्टार्ट वन से ही होगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, चलो ज़ीरो माइनस सेवन कट होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे, आगे जाएंगे, आगे वाले को क्या बोलेंगे, मुझे वन दो। सो यहाँ पे टू है, उसने वन दे दिया तो इसके पास हो गया वन और ज़ीरो की जगह टेन। चलो अब टेन में से सेवन कट, कैसे करेंगे हम कट, सेवन के बाद जब तक आपको क्या नहीं मिलता, टेन, तो सेवन के बाद एट नाइन टेन, कितना हुआ, थ्री। चलो वन में से फाइव कट होगा, नहीं होगा, तो आगे जाएंगे, आगे वाले को क्या बोलोगे, मुझे वन दो। सो यहाँ पे थ्री एंड यहाँ पे वन वन इलेवन, इलेवन में से फाइव कट, कैसे करेंगे, फाइव के बाद जब तक आपको क्या नहीं मिलता, इलेवन। सो फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, कितना हुआ, सिक्स एंड थ्री माइनस टू वन। तो बॉयज कितने लोग हो गए, 1630। सो अब आंसर लाइन क्या लिखेंगे, सो 1630 बॉयज टुक अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, राइट। और दूसरी वे में मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन में हाउ मैनी आए, हाउ मच आए, उसकी जगह जो आंसर आया वो लिख लोगे और पीछे का वैसे ही आप हम कॉपी कर देंगे तो भी आंसर लाइन राइट ही जाएंगे, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर वन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर टू, शांति कलेक्टेड 2345 रेड बेड्स एंड 3172 ब्लू बेड्स टू मेक अ नेकलेस, राइट। शांति थी, उसको नेकलेस बनाना था, इसलिए उसने रेड और ब्लू कलर का बेड्स लिया है। हाउ मेनी बेड्स डज सी हैव इन टोटल, राइट। आपको क्या पूछा है कि दोनों को मिला के टोटल आया, सो टोटल पे लाइन कौन सी साइन जाएगी, प्लस की साइन, मैंने याद रखवाया था, ठीक है। तो कितने बेड्स हुए दोनों को, रेड और ब्लू को मिला के, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो 2345 एंड रेड पे लाइन एंड ब्लू कितने हैं, 3172।
सो इन दोनों पे लाइन करनी है, फिर हम उसका क्या करेंगे, टोटल आया है तो प्लस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कितनी बेड्स हुए हैं उसको नेकलेस बनाने के लिए, ठीक है। सो पहले आप लिखेंगे रेड कितने हैं 2, 3, 4, 5, और ब्लू कितने हैं 3, 1, 7, 2, राइट। और टोटल आया इसलिए कौन सी साइन मैंने यहाँ पे पुट किया, प्लस की साइन, राइट। प्लस है मतलब हमें क्या करना है, सब काउंट करना है, ठीक है। सो 5 + 2 कितने होते हैं, 5 में 2 डालेंगे तो 6 and 7, सो राइट हियर 7। चलो 4 and 7, तो 7 इज द बिग, 4 काउंट करेंगे 7 के बाद, 8, 9, 10, 11, राइट। 11 टू डिजिट है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 कैरी ऑन 1 डाउन, राइट। ना 1 + 3 + 1 कितने होते हैं, 1 + 3 = 4, 4 + 1 = 5, एंड 2 + 3 = 5। सो नेकलेस बनाने के लिए उसको टोटल कितने बेड्स चाहिए, 5,570। सो आप नीचे लिखोगे आंसर लाइन, सो शांति हैज 5,517 बेड्स इन टोटल। सेकंड वन क्लियर। नंबर थर्ड, मैक्स बॉट अ बुक कंसिस्टिंग 1,278 पेजेस, राइट। अब मैक्स थे उसने एक बुक ली है, राइट, तो उसने उसमें टोटल कितने पेजेस है, 1,278। ही रीड 992 पेजेस लास्ट वीक, राइट। उसमें से ये टोटल बुक है 1,278 पेज की, उसमें से उसने 992 पेज रीड कर ली है लास्ट वीक में। अब आगे देखते क्या बोला है, हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड। चलो हाउ मैनी लेफ्ट आया, क्या करेंगे, लेफ्ट पे लाइन माइनस की साइन, राइट। मतलब आपको ये फाइंड करना है कि टोटल बुक है वो 1,278 पेजेस की है, उसमें से उसने 992 पेजेस रीड कर लिए, तो बाकी कितने रीड करने हैं उसको पेजेस, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, और वैसे भी लेफ्ट आया है तो क्या करेंगे हम, यस माइनस करेंगे। तो पहले आप आंसर में लिखोगे, पहले बुक लिखोगे कितने की बुक है, कितने पेजेस की, 1,278 पेजेस और 992 पेजेस उसने रीड कर लिए है, तो 1,278 और 992 है वो 3 डिजिट है, इसलिए लास्ट 3 डिजिट के नीचे ही जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 992 लिख लोगे तो आंसर रॉन्ग जाएगा, और आगे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा दे, लेफ्ट आया इसलिए हम कौन सी साइन करेंगे, माइनस की। चलो कट करते हैं, 8 - 2, चलो 8 में से 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना हुआ, 6। चलो 7 में से 9 कट होगा, नहीं होगा, आगे जाएंगे, आगे वाले को क्या बोलोगे, मुझे 1 दो, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 17। चलो 17 and 9 कैसे काउंट करेंगे, 9 के बाद जब तक क्या नहीं मिलता, 17, सो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितने हुए, यस 8। चलो 1 में से 9 कट होगा, नहीं होगा, आगे जाएंगे, यहाँ पे 1 को कट करके 0 और यहाँ पे 11, चलो 11 and 9, 9 के बाद काउंट करेंगे जब तक क्या नहीं मिलता, 11, सो 9 के बाद 10, 11 कितना हुआ, 2, और 0 - 0 = 0, सो उसको कितने पेजेस रीड करने बाकी है अभी, 286। सो आप आंसर में लिखोगे, सो 286 पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, या तो फिर हाउ मैनी की जगह 286, पीछे का सब कॉपी, राइट। सो हम आज के लिए बस इतना ही लिखेंगे, फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर, थैंक यू।